हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ओबीजी का, एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा एंड कॉर्ड। तो प्लेसेंटा और कॉर्ड में जो भी एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, उनके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो इसकी सबसे पहले अपन क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला है प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट वन है प्लेसेंटा सक्सिनरेटा, सेकंड वन है प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियलिस, जिसमें दो टाइप की होती है, प्लेसेंटा सर्कमवेलेटा एंड प्लेसेंटा मार्जिनेटा। नेक्स्ट वन है थर्ड वन प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया। तो ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं या डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज़ होती है प्लेसेंटा की। सेकंड वन है कॉर्ड एबनॉर्मलिटीज़। तो इसमें फर्स्ट वन है बेटलडोर प्लेसेंटा, सेकेंड वन है वेलामेंटस प्लेसेंटा, नेक्स्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉर्ड एंड सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। तो ये तो इसकी बात हुई क्लासिफिकेशन की कि ये कुछ एबनॉर्मलिटीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है प्लेसेंटा और कॉर्ड में। अपन इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कंडीशंस होती क्या हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। तो प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ में जो फर्स्ट वन है प्लेसेंटा सक्सिनरेटा, ये क्या होती है। इन दिस कंडीशन वन और मोर स्मॉल लोब्स ऑफ प्लेसेंटा मे बी प्रेजेंट एंड वेरिंग डिस्टेंसेस फ्रॉम द मेन प्लेसेंटल मार्जिन। इस पॉइंट का मतलब ये है कि इस कंडीशन में नॉर्मल जो प्लेसेंटा होती है उसके अलावा एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट या अलग एक्स्ट्रा प्लेसेंटल लोब्स भी यहाँ प्रेजेंट रहती है। जैसा मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर या डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। ये देखिए, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक तो ये मेन प्लेसेंटा है, इसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लेसेंटल लोब भी प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें एक मेन प्लेसेंटा के अलावा एक या एक से अधिक एक्स्ट्रा लोब अगर प्रेजेंट है प्लेसेंटा की, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा सक्सिनरेटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दीज स्मॉल लोब्स आर कॉल्ड एसेसरी लोब्स। अब जो ये एक्स्ट्रा लोब्स प्रेजेंट है इनको एसेसरी लोब्स भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज ए सर्कुलेटरी कनेक्शन प्रेजेंट बिटवीन मेन एंड एसेसरी प्लेसेंटा, इफ कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स आर एबसेंट इट इज कॉल्ड प्लेसेंटा स्पूरिया। इस पॉइंट का मतलब क्या है ये भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। इस पॉइंट का मतलब ये था कि ये जो दोनों प्लेसेंटा है, मेन प्लेसेंटा और एसेसरी प्लेसेंटा, इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। कौन सा कनेक्शन, सर्कुलेटरी कनेक्शन। सॉरी, कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में ब्लड सप्लाई कनेक्ट होती है, ठीक है, सक्सिनरेटा कंडीशन में। अगर ऐसी कंडीशन हो जिसमें इन दोनों के बीच में सर्कुलेटरी कनेक्शन नहीं हो, यानी ब्लड सप्लाई कनेक्ट नहीं हो, तब क्या बोलेंगे उस कंडीशन को, प्लेसेंटा स्पूरिया। ओके, सो ये पहली कंडीशन आपकी क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा और कुछ, जैसे कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस। तो फर्स्ट इसके मैं पॉइंट, इफ़ द एसेसरी लोब इज रिटेन्ड फॉलोइंग बर्थ ऑफ प्लेसेंटा इट मे लीड्स टू PPH सब इन्वोल्यूशन एंड यूट्राइन सेप्सिस। अगर जो ये एक्स्ट्रा प्लेसेंटा है, जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद जब प्लेसेंटा बाहर आती है, तो अगर मान लो उस टाइम जो ये एक्स्ट्रा लोब है ये अंदर ही रिटेन रह जाए, बाहर नहीं आए, तो उस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइक पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है एक्सेसिव, सब इन्वोल्यूशन कंडीशन हो सकती है। सब इन्वोल्यूशन क्या होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी जो यूटरस होता है वो नॉर्मल वापस अपनी पोजीशन में आता है, जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट होती है उसमें वापस आता है। बट सब इन्वोल्यूशन कंडीशन में क्या होता है कि वापस से जो है यूटरस वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं आ पाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन। तो ये भी यहाँ हो सकता है। नेक्स्ट वन है यूट्राइन सेप्सिस, यानी इन्फेक्शन की कंडीशन भी यहाँ हो सकती है। तो ये तो बात हो गई इसके कॉम्प्लिकेशंस की। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, Whenever the diagnosis of missing lobe is made, exploration of uterus and removal of lobe
अंडर जनरल एनेस्थीसिया इज टू बी डन। अगर यहाँ पे डायग्नोसिस किया, सोनोग्राफी वगैरह की, और उसमें पता चला कि अंदर जो है एक एक्स्ट्रा लोब है और वो अंदर रिटेन है, तो उसमें क्या करेंगे कि जो डॉक्टर होगा वो यूट्रस को एक्सप्लोर करेगा, अच्छे से आइडेंटिफाई करेगा, और जो अंदर मिसिंग लोब होगी उसको रिमूव करेगा। बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा मदर को। ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड एबनॉर्मलिटी है प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियलिस, जिसमें मैंने आपको दो टाइप्स बताई थी, सरकमवेलेटा एंड मार्जिनेटा। तो इसको पढ़ने से पहले अगर आपको जो प्लेसेंटा की एनाटोमी अगर क्लियर है आपकी, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसको एक्स्ट्रा कोरियलिस क्यों कहते हैं ये मैं आपको इसमें बाद में बताऊंगा, पहले अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट टाइप की, सरकमवेलेटा की। तो ये कंडीशन होती क्या है, इन दिस कंडीशन कोरियोनिक प्लेट इज स्मॉलर इन साइज देन द बेसल प्लेट एंड डज नॉट एक्सटेंड टू द प्लेसेंटल मार्जिन। जो प्लेसेंटा होती है उसमें दो प्लेट्स होती है, बेसल प्लेट एंड कोरियोनिक प्लेट। ओके, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जो कोरियोनिक प्लेट होती है वो साइज में छोटी होती, स्मॉल होती है इन कंपेरिजन टू बेसल प्लेट। तो इसको मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू और अच्छे समझा देता हूँ। ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये सरकमवेलेटा प्लेसेंटा का है। अब इसमें दो स्ट्रक्चर, जैसा मैंने आपको नाम बताया, ये जो ब्लू कलर की ये तो है बेसल प्लेट इस साइड, और ये जो आप पिंक कलर का देख रहे हैं ये है कोरियोनिक प्लेट। जनरली जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें इन दोनों का जो साइज होता है वो सेम होता है नॉर्मल कंडीशन में। बट सरकमवेलेटा कंडीशन में क्या होता है कि ये जो कोरियोनिक प्लेट है इसका साइज छोटा होता है, ये स्मॉल होती है इन कंपैरिजन टू बेसल प्लेट। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया कि जो कोरियोनिक प्लेट है वो स्मॉल होती है। अब इस वजह से नेक्स्ट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो फीटल मेम्ब्रेन्स है, एमनियन एंड कोरियोन, ये जो ग्रीन कलर की आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों मेम्ब्रेन्स कौन सी है, फीटल मेम्ब्रेन है एमनियन एंड कोरियोन। जनरली क्या होता है नॉर्मली कि ये जो बेसल प्लेट है, लाइक ये बेसल प्लेट और ये कोरियोनिक प्लेट, यहाँ पे ये दोनों का साइज सेम होता है, और यहाँ से जो मार्जिन है प्लेसेंटा की, जो मार्जिन है जो साइड है वहाँ से फिटल मेम्ब्रेन ओरिजिनेट होती है। डू यू अंडरस्टैंड, यहाँ से फिटल मेम्ब्रेन ओरिजिनेट होती है नॉर्मल कंडीशन में। बट अब यहाँ पे जो कोरियोनिक प्लेट का साइज कम है, तो क्या होगा कि जो ये फिटल मेम्ब्रेन है वो कहाँ से ओरिजिनेट होगी, सेंटर ऑफ प्लेसेंटा, यानी यहाँ से ओरिजिनेट होगी। एक तो यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है, दूसरा ये जो फीटल मेम्ब्रेन से यहाँ पे डबल फोल्ड बना लेगी। क्या बना लेगी, डबल फोल्ड बना लेगी। जो आप डायग्राम में देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये इस तरह से फोल्ड हो रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रही है, डबल फोल्ड बना रही है फीटल मेम्ब्रेन्स। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सरकमवेलेटा प्लेसेंटा। तो आपका क्लियर हो गया सरकमवेलेटा प्लेसेंटा की कंडीशन में क्या होता है कि जो कोरियोनिक प्लेट है वो साइज में स्मॉल होती है कंपैरिजन टू बेसल प्लेट। इस वजह से क्या होता है कि जो फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सेंटर से ओरिजिनेट होती है, दूसरा ये यहाँ पे डबल फोल्ड बना लेती है। ओके, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सरकमवेलेटा प्लेसेंटा। हो गया क्लियर। सेकेंड वन है यहाँ पे प्लेसेंटा मार्जिनेटा, ये भी सेम कंडीशन होती है। जिस तरह से इसमें डबल फोल्ड बना रही है सरकमवेलेटा में फिटल मेम्ब्रेन, मार्जिनेटा में क्या होता है कि सिंगल लेयर ही बनाती है, डबल फोल्ड नहीं बनाती है, सिंगल लेयर ऑफ रिंग बनाती है। ओके, तो यही डिफरेंस होता है दोनों में। अब बात यहाँ पे एक मैंने आपको बताया था कि जो एक्स्ट्रा कोरियलिस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो कोरियोनिक प्लेट है वो स्मॉल है, इस वजह से क्या होता है कि प्लेसेंटा कुछ पार्ट जो है वो कवर नहीं हो पाता है। ओके, जो कोरियोनिक विलाई वगैरह होती है कुछ प्लेसेंटा की, वो कवर नहीं हो पाती है, विजिबल रहती है, आउटसाइड रहती है बाहर की तरफ। ओके, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कोरियल पार्ट या एक्स्ट्रा कोरियल प्लेसेंटा। ओके, तो ये तो बात हो गई प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियलिस, जिसमें दो टाइप्स होते हैं, सरकमवेलेटा एंड मार्जिनेटा। नेक्स्ट वन, अब इसके बाद आता है प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिशिया। ये क्या कंडीशन होती है, इन दिस कंडीशन प्लेसेंटा इज लार्ज एंड थिन इन साइज।
जो प्लेसेंटा होती है अगर वो लार्ज हो, नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी हो और थिन हो, पतली हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिशिया। अब इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है? प्लेसेंटा प्रीविया यहाँ हो सकता है। अगर मान लो प्लेसेंटा का साइज़ ज़्यादा है तो क्या होगा? प्लेसेंटा कुछ पार्ट लोअर सेगमेंट में रीच कर सकता है और इंटरनल ओवर्स को कर सकता है, यानी सर्विक्स की ओपनिंग को कवर कर सकता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट वन है पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज भी यहाँ देखने को मिल सकता है और रिटेन प्लेसेंटा भी रह सकती है। ओके, तो ये बात हो गई प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ की। नेक्स्ट वन है कॉर्ड एबनॉर्मलिटीज़। इसमें फर्स्ट वन आती है बेटल डोर प्लेसेंटा। ये क्या होता है? द कॉर्ड इज़ अटैच टू द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा। इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ। ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें आप देखोगे कि ये जो प्लेसेंटा है इसकी किनारों से यानी मार्जिन से जो है अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच है। जनरली क्या होता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो अंदर की तरफ अटैच होती है, बट बेटल डोर प्लेसेंटा में क्या होगा? प्लेसेंटा की मार्जिन से अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? बेटल डोर प्लेसेंटा। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकती है? कॉर्ड कंप्रेशन यहाँ पे हो सकता है। ओके, डिलीवरी के टाइम क्या हो सकता है? कॉर्ड कंप्रेस हो सकती है इस कंडीशन में। नेक्स्ट वन अब बात करें तो वो है वेलामेंटस प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है? द कॉर्ड इज अटैच टू द मेम्ब्रेन्स, जो फीटल मेम्ब्रेन्स है उनसे अटैच रहती है अम्बिलिकल कॉर्ड। अब इसका डायग्राम आपको मैं दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो किससे अटैच है? जो फीटल मेम्ब्रेन से उनसे अटैच है। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? वेलामेंटस प्लेसेंटा। ओके, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। बेटल डोर प्लेसेंटा में तो क्या होता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो प्लेसेंटा की मार्जिन से अटैच होती है, और वेलामेंटस प्लेसेंटा में फीटल मेम्ब्रेन से अटैच होती है। अब बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट। इसमें एक और पॉइंट आता है यहाँ पे, इफ़ द ब्लड वेसल्स ओवरलाइंग द इंटरनल ओएस इन फ्रंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, कंडीशन इज कॉल्ड वासा प्रीविया। वासा प्रीविया कंडीशन क्या होती है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ओके, वो ये जो पेल्विस है, पेल्विस में जो प्रेजेंटिंग पार्ट प्रेजेंट रहता है, लाइक अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो उसमें जो हेड रहेगा वो प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा। तो अगर मान लो यहाँ पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो आगे की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे की तरफ अगर ओवरलाइन कर रही है उसको, ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? वासा प्रीविया। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्विंग द ओवरलाइंग वेसल्स लीड्स टू वेजाइनल ब्लीडिंग। अब जो यहाँ पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे की तरफ अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा? डिलीवरी के टाइम ये अम्बिलिकल कॉर्ड रप्चर होने के चांस होंगे, या जो फीटल ब्लड वेसल्स है वो रप्चर होने के चांस होंगे, जिस वजह से वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। और कौन सा ब्लड प्रेजेंट रहेगा उसमें? फीटस का ब्लड प्रेजेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड रप्चर हो रही है। ओके, अब इसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे? इफ़ ब्लीडिंग प्रेजेंट अर्जेंट डिलीवरी इज इसेंशियल आइदर वेजाइनली और सीजेरियन। अब ऐसी कंडीशन हो गई, मेम्ब्रेन रप्चर हो गई या जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो रप्चर हो गई, तो ब्लीडिंग हो रही है तो डिलीवरी करना जरूरी है, या तो वेजाइनल या डिलीवरी करेंगे, नॉर्मल या सीजेरियन भी कर सकते हैं। तो ये बात हो गई बेटल डोर एंड वेलामेंटस प्लेसेंटा की। नेक्स्ट वन अब यहाँ पे पॉइंट आता है एबनॉर्मल लेंथ के हिसाब से, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी एबनॉर्मल लेंथ भी हो सकती है, शॉर्ट कॉर्ड भी हो सकती है और लॉन्ग कॉर्ड भी हो सकती है। जो नॉर्मल लेंथ रहती है अम्बिलिकल कॉर्ड की, अगर उससे कम लेंथ है तो उसको तो बोलेंगे शॉर्ट कॉर्ड, ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे? लॉन्ग कॉर्ड। ओके, तो शॉर्ट कॉर्ड में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? लाइक एंटी पार्टम हेमरेज हो सकता है, माल प्रेजेंटेशन की कंडीशन रह सकती है, और फीटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है। नेक्स्ट वन है लॉन्ग कॉर्ड। अगर कॉर्ड की लेंथ नॉर्मल से ज़्यादा है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? लाइक कॉर्ड प्रोलेप्स हो सकता है, यूट्रस से जो है कॉर्ड बाहर आ सकती है। नेक्स्ट वन कॉर्ड स्टिक अराउंड द नेक ऑफ बेबी और नेक और बॉडी ऑफ बेबी कॉज कॉर्ड कंप्रेशन, फीटल डिस्ट्रेस और डेथ अकर्स।
अगर कॉर्ड की लेंथ ज़्यादा है तो क्या होगा कि ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जिसमें कॉर्ड स्टिक हो सकती है, मींस बच्चे की गर्दन के या बॉडी के चारों तरफ वो मतलब अराउंड हो सकती है, चिपक सकती है, जिस वजह से क्या कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, फिटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वन है सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। जनरली जो फिटल सर्कुलेशन की बात करें तो उसमें एक तो अम्बिलिकल वेन होती है और दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती है। जैसा अम्बिलिकल वेन तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है प्लेसेंटा से और अम्बिलिकल आर्टरीज वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। बट इस कंडीशन में होता क्या है कि एक ही अम्बिलिकल आर्टरी प्रेजेंट रहती है और ऐसा 1 से 2% केसेज में देखने को मिलता है, ज़्यादा केस देखने को नहीं मिलते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? इट में अकर्स ड्यू टू फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वन आर्टरी और ड्यू टू इट्स एट्रोफी इन लेटर मंथ्स। अब ऐसी कंडीशन होती क्यों है कि अगर एक सिंगल आर्टरी जो है वो अगर डेवलपमेंट ना हो एक आर्टरी का, या उसकी एट्रोफी हो जाए बाद में, तो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ मोर कॉमन इन ट्विंस एंड इन बेबीज बोर्न ऑफ मदर विद डायबिटीज़, एपिलेप्सी, ओलिगोहाइड्रोमनियास, प्री एक्लेम्शिया एंड एपीएच। अब ऐसी कंडीशंस क्यों होती है और किन में देखने को मिलती है? जनरली ट्विंस में देखने को मिल सकती है, या ऐसे बेबीज़ जो किसी मदर में हो रहे हैं, जो मदर सफ़र कर रही है। अगर किसी मदर को ऐसी प्रॉब्लम्स है लाइक डायबिटीज़, एपिलेप्सी, ओलिगोहाइड्रोमनियास, प्री एक्लेम्शिया या एंटीपार्टम हेमरेज, अगर किसी मदर में या पेशेंट में इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो उनके बच्चों में सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी देखने को मिल सकती है। ओके, अब इस वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है, लाइक एबॉर्शन हो सकता है, प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है बच्चे में और डेथ भी हो सकती है। ओके, तो ये बात हो गई एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा एंड कॉर्ड्स के बारे में। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।